भारत के दौरे पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम का आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों के नेता गर्मजोशी से गले मिलते दिखाई दिए। इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी शिरकत की। बता दें कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर मलेशिया के पीएम भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। इब्राहिम के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। प्रधानमंत्री के तौर पर यह अनवर इब्राहिम की पहली भारत यात्रा है। अनवर इब्राहिम के इस भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री दातो श्री अनवर इब्राहिम, दोनों डेलीगेशन के सदस्यगण, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री बनने के बाद अनवर इब्राहिम जी का भारत का यह पहला दौरा है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के बीच एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब हमारा व्यापार रुपये और रिंगिट में भी हो रहा है। गत वर्ष में मलेशिया से भारत में $5 बिलियन के निवेश पर काम हुआ है। आज हमने निर्णय लिया है कि हमारी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया जाएगा।